नमस्कार, स्वागत है आपका उल्लेख न्यूज में। मैं आपके साथ नौशीन अंसारी। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए देखते रहिए उल्लेख न्यूज। सहारनपुर में वन मालिक पर मजदूरी की रकम न देने का आरोप लगाया गया। राजमिस्त्री मजदूरी के पैसे लेने के लिए काफी समय से भटक रहे हैं। राजमिस्त्री रावत ने बताया कि उसने संबंधित थाना सदर बाजार में एप्लीकेशन दी थी, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। परेशान होकर राजमिस्त्री ने एसएसपी आकाश तोमर से न्याय की गुहार लगाते हुए मुआवजा दिलाने की मांग की, जिस पर एसएसपी आकाश तोमर ने तुरंत ही संबंधित थाने को कार्यवाही के आदेश दिए। सोमवार को भाजपा महिला मोर्चा मानक मऊ मंडल अध्यक्ष दुर्गा सागर के साथ एसएसपी से मिले। प्रार्थी राव आसिफ पुत्र अबरार ने बताया कि वो राजमिस्त्री का कार्यकर्ता है। उसने दीपक कुमार निवासी पंजाबी बाग गंगापुरम दुर्गा मंदिर के यहाँ जनवरी 2020 से मकान का भवन निर्माण कार्य का ठेका लिया था। प्रार्थी ने जब भवन मालिक से बकाया 80,000 मांगी तो वो बहाने बनाकर टाल मटोल करता रहा। जब वो उसके घर गया तो उसने व उसके पुत्र ने उसके साथ मारपीट की। मेरा नाम दुर्गा सागर, मानक मंडल अध्यक्ष, बीजेपी महिला मोर्चा। जी, आज किस मामले में आए हैं? आज मैं इस मामले में आई थी कि ये एक हमारा बच्चा है जो राजमिस्त्री है, इसने वहाँ काम किया, कोई मकान बनाया है और वो इसको इसका पैसा नहीं दे रहा है। उसका नाम क्या है बेटे? दीपक कुमार। और ये इस वजह से मैं यहाँ पर, इसने मुझे कहा कि भाई आप वहाँ चले, तो मैं यहाँ पर आई हूँ एसएसपी के पास। तो हमारे जो एसएसपी साहब हैं आकाश कुमार जी, इन्होंने अच्छे से इसकी बात सुनी है, मेरी सुनी है और उन्होंने आगे कार्रवाई करना उचित समझा और इस बच्चे को कहा कि जी हम आपका पैसा वापस दिलाएंगे। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आसिफ है जी, मैं शेखपुरा का रहने वाला हूँ। मैंने काम किया था पंजाबी बाग दुर्गा मंदिर जी दीपक कुमार के यहाँ पर। अच्छा, तो मेरे को 80,000 रुपया नहीं दे रहा है, वो मेरे साथ मार पिटाई करता है। तो इस मामले में संबंधित थाने में कोई रिपोर्ट विपोर्ट की? मैंने सदर थाने में की थी, 12 दिन से मुझे चक्कर कटवाए जा रहे थे। मैं इन मैडम के पास गया, मुझे बताया गया, तो ये मेरे साथ यहाँ एसएसपी के यहाँ पर। तो एसएसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा कि सबसे सख्त कार्रवाई होगी और जल्दी इस पर निर्णय लिया जाए। और जैसे ये बेटा मेरे पास आया तो मैंने तुरंत हमारे रमन भाई है और हमारे निशांत भाई है, ये तुरंत पहुँचते हैं जहाँ भी मैंने बुलाती हूँ, या कोई भी दुर्घटना होती है या कोई बात होती है, सच्ची घटनाएं लिखते हैं या कोई झूठी झूठी बातें नहीं लिखते, सच पर चलते हैं। इसलिए हम, मुझे इन पर बहुत विश्वास है, इसी कारण एसएसपी साहब ने पास बुलाया। मैडम, अगर इसका कार्य में कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई तो आगे क्या करेंगे फिर? अगर जो आकाश तोमर जी ने मेरी बात को नहीं सुना एसएसपी साहब ने, तो शायद मैं आगे जा सकती हूँ। और क्या गया?